अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत मज़े की रेसिपीज़ बना रही हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि आज ही आप ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी फ्रूट चाट। इसके लिए मैंने जितनी भी फ्रूट्स मेरे पास रखे हुए थे वो सारे मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड की, थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, और इसके अंदर मैंने थोड़ा से मैक्रोनी बॉयल करके वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए, ताकि बड़ा मज़ा आएगा फिर इफ्तार में ठंडी ठंडी सी मैक्रोनी वाली चाट खाने में। और इसके साथ ही मैंने शरबत भी बना के फ्रिज में रख दिया है। थोड़ी सी लस्सी बनी है जी, रूह अफ़ज़ा और टैंग तो होता ही है, और साथ में मुझे पसंद है क्विस, तो मैं अपने लिए क्विस बना लेती हूँ। बच्चों को लस्सी चाहिए होती है तो उनके लिए लस्सी बना देती हूँ। और साथ में आज बनाऊंगी पिज़्ज़ा कटलेट्स। पिज़्ज़ा कटलेट्स के लिए मैंने ले लिए थे जी 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, उसको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया, और मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड किए और इसको मिक्स कर लिया है। और बाद में अभी इसकी स्टफिंग भी तैयार करूँगी। रोज़ाना समझ नहीं आता कि आज वैसे ही नहीं समझ आता हम ख़वातीन को कि आज खाने में क्या बनाएं, लेकिन अब जब रोज़े आते हैं ना तो फिर रोज़ों में भी बच्चों को तो रोज़ाना नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसी बहाने बहुत सारी न्यू चीज़ें मैं ट्राई भी करती रहती हूँ और इनोवेट भी करती रहती हूँ। काफ़ी सारी रेसिपीज़ बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मैं ख़ुद उसमें बहुत सारी चेंजेस करके कुछ न्यू अलग कोई चीज़ बनाकर तैयार करती हूँ, और अप्रिसिएशन मिलती है मुझे घर वालों से। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज को भी चॉप्ड कर लिया, और थोड़ी सी टमाटर भी चॉप्ड करूँगी। ऑयल गर्म करके मैंने इसके अंदर बॉयल और शर्डेड चिकन ऐड किए 1 कप, और इसके साथ ही मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। बहुत कम मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, नमक, काली मिर्च, ऑरेगनो, बस ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, और कुछ भी ऐड नहीं करना। और इतने मज़े का ये स्टफ़िंग बन के तैयार हो जाती है ना, इसको तो आप इस स्टफ़िंग को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, और इसका फ्लेवर जो निकल कर आता है वो आता है पिज़्ज़ा सॉस से। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप टोमेटो केचप ऐड कर लें, लेकिन अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर ज़रूर पिज़्ज़ा सॉस ही ऐड करें, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर ही इससे निकल कर आएगा। और पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत ईजी है, मैं आप लोगों से बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, और 2 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ ऐड करते ही देखें कितनी अच्छी सी इसके अंदर तार बनने लगेगी। तो बस जैसे ही हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है ना इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है मोज़रेला यूज़ करें, पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, चेडर ले लें, कुछ भी ले लें, पार्मेजान ले लें, कुछ भी ले लें जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है। और अगर ये भी नहीं है तो चीज़ स्लाइसिस ले लें, वो ऐड कर लें। और इसको बस जब भी ऐड करना है ना, चूल्हा बंद करके ऐड करना है, और ऐड करते ही इसको फ़ौरन ही हमें डिश आउट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था उसके अंदर मैं इसकी स्टफिंग फिल कर दूँगी। बहुत आराम से फिल करना है, बहुत आराम से हो जाती है, कोई ऐसा जितना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग तो वैसे ही बहुत माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, अब तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं रोज़ाना इफ्तार बना बना के, तो ये काम तो आप बआसानी कर लेंगे। और बस इसको करके ना, इसके बाद हमने इसको करना है जी कोट अंडे में और क्रम्स में, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यही थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टफ़ करती जा रही हूँ। और आज ना बच्चों ने फरमाइश कर दी कि आज उन्हें जिंगर खाने, तो उनको खाने थे जी बाहर से जिंगर, तो इसलिए मैं आ तो गई थी किचन में तो इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी ज़्यादा इफ्तार की प्रिपरेशन क्यों करूँ, मतलब सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी लेकिन कम क्वान्टिटी में, इतनी कि बस ख़त्म हो जाए, बचे नहीं कोई भी चीज़। फिर इफ्तार के बाद जो चीज़ बच जाती है ना वो खाई नहीं जाती। अब यहाँ पर देखें, मैंने यह कटलेट्स तैयार कर लिए, और जो मेरे पास थोड़े से आलू बच गए थे और थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, तो उसको मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया इस तरह से, और ऑलरेडी इसके अंदर चीज़ पहले ही मौजूद है। और साथ ही मैंने ना थोड़ी सी बॉयल्ड श्रेडेड चिकन मेरे पास रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और कोई मसाले वगैरह मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए, अगर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर लें, बड़े ही मज़े की हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ पट्टियाँ पड़ी हुई थी समोसों की जो मैं पहले लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको समोसों में फिल कर देती हूँ, तो थोड़े से समोसे भी बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं पकौड़े वगैरह कुछ ऐसे बना नहीं रही क्योंकि बच्चों ने बाहर से ही कुछ खाना है, तो फिर इतनी ज़्यादा मैं अरेंजमेंट नहीं कर रही इफ्तार के लिए। बस मैंने 2 से 3 चीज़ें बनाई थी, और इसके बाद वाली जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो तो इतनी औसम है,
वो तो आप ज़रूर 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 ट्राई करें, ये सारी रेसिपीज़ भी ट्राई करें लेकिन वो तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज ही बनाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको इफ्तार का, इतनी टेस्टी और इतना यमी वो बन के तैयार होना। बच्चों ने इतनी तारीफ़ें की हैं, हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ें की हैं और मुझे ख़ुद, और जब मैं बनाऊंगी ना तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये कितना ऑयली है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और जब बनकर रेडी होकर बाहर आएगा ना तैयार होकर, तो फिर जब आप उसे खाएंगे तो फिर आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई यार क्या चीज़ बनी है। तो ये तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसे, और समोसे बस मैंने काफ़ी सारे ही बना लिए थे, अच्छे खासे बन गए थे, ये कोई 10 से 12 समोसे तो बन ही गए थे। और मैंने बस फ्राई तो मैंने करने थे 6, क्योंकि हम हैं 6 और चीज़ पता नहीं खाता है या नहीं खाता है, लेकिन मैं उसके लिए ना जितनी भी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो मैं चीज़ के लिए भी ज़रूर वो चीज़ें बनाती हूँ कि क्या पता उससे अच्छी लगे और वो खा ले। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं गिन गिन के बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास जब भी इस तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि इफ्तार में हमेशा ही ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पकौड़े भी इतनी किस्म के बन जाते हैं, तो समोसे रोल वगैरह मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करती हूँ, यही कोई क्वान्टिटी रखती हूँ पर पर्सन 2, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई खाता भी नहीं है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा। और जितना भी खाना होता है ना वो सब इफ्तार के ही टाइम पर होता है, इफ्तार के बाद तो कोई भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, वैसे ही शरबत वगैरह के बाद भी दिल नहीं चाहता कि इतना आप खाएं, मीठा अगर आप इनहेल कर लेते ना तो उसके बाद आपकी भूख वैसे ही मर जाती है। तो मैं यहाँ पे बस 6 समोसे यहाँ पे अपने पास रखूँगी और बाकी के ना सारे मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी क्रम्स, क्रम्स मैंने बना के ऑलरेडी रखे हुए थे, बनाना मैंने आप लोगों को बताया है मेरी लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा मैंने क्रम्स किस तरह से बनाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए और अंडों को मैं कर रही हूँ यहाँ पे बीट, और फिर इसको उसके अंदर मैं कटलेट्स को कोट करना शुरू कर दूँगी। इस बार मैंने रमज़ान में पिज़्ज़ा की बहुत सारी वैरायटीज़ जो है ना वो बना ली हैं, और काफ़ी सारी मैं तो आपसे शेयर कर भी चुकी हूँ और काफ़ी सारी मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर किए, और कई सारी मैंने नहीं की क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना नहीं हो पाता इतना कि मैं वीडियोस शूट करूँ और करूँ, क्योंकि रोज़ों में मेरा फोकस थोड़ा इबादत की तरफ भी होता है, मेरा क्या सबका ही होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वीडियोज़ ही बनाती रहूँ तो फिर इबादत के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि बहुत ही मिनिमम टाइम होता है हमारे पास इसके लिए, क्योंकि हम ख़वातीन को घर के काम भी देखने होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे काम, अभी बच्चों के लास्ट डेज़ पेपर्स हो रहे थे और उसके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ रही थी, बच्चों के साथ लगना पड़ रहा था, उनको देखना था, तो उसमें भी फिर मैं बिज़ी रही। ये और ये रमज़ान की ही बात है, रोज़ों में ही पेपर्स हुए, रोज़ों में ही रिज़ल्ट आया, रोज़ों में ही क्लासेस शुरू हुई और सारा कुछ उनका न्यू सेशन का और एनुअल जो भी तैयारी थी वो हमने की, और फिर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, फिर रोज़े भी थे और हर चीज़ घर को मैनेज करना, चीज़ें देखना, इफ्तार की प्रिपरेशन करना, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती थी शूट इस तरह से। तो फिर मैं जब मेरा दिल होता था ना कि मैं आज कर लेती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं आप लोगों के लिए ना पिज़्ज़ा की एक पूरी जो है ना वीडियो कंबाइन करके, जितने भी मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल जितने भी बनाए डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ास, उसकी एक वीडियो कंबाइन करके ना वो पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोगों को मैं बता दूँगी कि मैंने वो पोस्ट कर दी है, तो फिर आप लोग वो भी देख सकते हैं। और अभी मेरे माइंड में ना एक बड़ी अच्छी रेसिपी चल रही है पिज़्ज़ा की, सोच रही हूँ वो शेयर करूँ, पहले मैं बनाऊँ उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा हुआ है कि बस इसको ना इस स्टाइल से मैं करके बनाऊँगी कुछ, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चों को ना पिज़्ज़ा वाली वैरायटी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, पास्ता पिज़्ज़ा ये सब। और अभी तक हैरत की बात ये है कि अभी तक मैंने इतने रोज़े गुजर गए अभी तक मैंने पास्ता नहीं बनाया, और कली फैरी ने कहा कि मम्मा आपने इस दफ़ा बिल्कुल भी पास्ता नहीं बनाया, तो चाउमीन वगैरह क्यों नहीं बना रहे आप? तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी बनाऊँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो पैन मैंने लिया है ना जिसमें मैंने अभी स्टफिंग तैयार की थी, इसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ, और ये मैं बना रही हूँ स्टफिंग अपनी दूसरी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को बस 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और उसमें मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के रखे हुए थे, अगर आप चाहें तो इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं।
इसको बस स्टर फ्राई करना है और फिर मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिली है, नमक है और साथ है जी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मैंने मिक्स्ड हर्ब लिए और ऑरेगानो लिया है और बस इसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं गई है। इतने ही कम मसालों में मैंने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने लेमन जूस ऐड किया, यही कोई एक से दो चाय के चम्मच, और इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी। बस दो मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है जल्दी जल्दी, और उसके बाद वेजेज ऐड कर देनी है, टोमेटो, कैप्सिकम एंड अनियन, और अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर लें, बहुत मज़े के होते हैं। मेरे पास कॉर्न रखे हुए हैं लेकिन मैंने उसको अभी बॉयल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर बॉयल्ड ही जाएंगे तो कच्चे तो आप डाल नहीं सकते। और साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी पिज़्ज़ा सॉस, मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया और 2 खाने के चम्मच मैंने टमाटो केचप ऐड किया, और बस ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी है। बस इसको मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी और फिर ये रेडी हो जाएगी हमारी स्टफिंग, और इसके बाद हम करेंगे डो की तैयारी। ये इतने मज़े की बनी थी ना, यकीन जाने ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और मेरा इतना दिल आ गया ना इस रेसिपी पे कि अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो मेरे जो मेन्यू में ना ऐड हो चुकी है ये वाली रेसिपी, इसको तो मैं कंटिन्यूसली अब बनाने वाली हूँ ना, डे बाई डे, कभी भी जब भी मेरा दिल चाहेगा तो मैं ये रेसिपी, तो बस ये ऐसी क्विक रेसिपी है ना कि आप कभी भी बना सकते हैं और इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डो बना रही हूँ, डो के लिए मैंने थोड़ा सा वाइट आटा लिया है और थोड़ा सा मैंने चक्की वाला आटा लिया है, दोनों को हाफ हाफ, और इसमें मैंने बस नमक ऐड किया है, साथ थोड़ा सा ऑयल और ऑरेगनो, और इसको फिर मैंने पानी से गूंद लिया है। गूंद कर इसको अच्छा सा डो तैयार करूँगी सॉफ्ट सा, और उसको रख दूँगी ये कोई 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, और इसके बाद फिर हम इसका बाकी का काम करेंगे। और जनाब मेरी अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, पता है आप लोगों को, अभी तक मैं मार्केट नहीं गई हूँ, मैं ना ही मैंने बच्चों के लिए कोई परचेजिंग की है ना अपने लिए, और ना ही घर के लिए, जो मैं मुझे थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें लेनी थी जो लाजमी हर ईद पर लेनी होती हैं वो भी मैं अभी तक नहीं ले पाई हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि अब तो ताक रातें शुरू हो गई हैं और ताक रातों में फिर सेकंड डे तो हम रेस्ट थोड़ा बहुत करते ही हैं, तो मार्केट के चक्कर लगाना बहुत ही हेक्टिक होता है, और इस तरह से जो है ना मार्केट में आजकल रश भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट वाले दिनों में। और अब मुझे तो यही लग रहा है कि मैं ईद से 2-3 दिन पहले ही जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वीकेंड पर भी इतना बुरा हाल हुआ होता है, क्योंकि जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, जॉब करने वाले लोग बेचारे जो होते हैं वो तो आते ही वीकेंड पे, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता इतना वर्किंग डेज में कि वो जाकर शॉपिंग्स करें, तो आते ही हैं वो वीकेंड पे। और हम तो जी जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो तो कभी भी चले जाते हैं, लेकिन यार मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती कि मैं वीकेंड्स पे जाऊँ, बहुत बुरा हाल होता है, पाँव पे पाँव धरने की भी जगह नहीं होती मार्केट्स में, और बहुत ही बुरी हालत। लास्ट ईयर तो मैंने ये किया था कि मैंने शाबान में ही शॉपिंग कर ली थी और बहुत ही अच्छा रहा था हमारा वो एक्सपीरियंस, इस बार पता नहीं क्या हुआ मैं गई नहीं शॉपिंग के लिए। खैर मुझे लगता है कि बस वही ईद से 2-3 दिन पहले ही हमने जाना है शॉपिंग के लिए और फिर जो भी चीज़ें लेनी होंगी वो लेवे के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ना डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे और इसको ना रोल कर लिया था तकरीबन 12 से 12 to 14 डायमीटर के जितने ही आपने इसको रोल करना है, ज़्यादा छोटे छोटे अच्छे नहीं लगेंगे और इनफ होता है, ये एक पीस जो होता है ना किसी भी एक बंदे के लिए इनफ है, अगर वो माशाल्लाह से उसकी इतनी कोई ज़्यादा खुराक नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हैं माशाल्लाह से तो फिर आप 1 से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक हमारे यहाँ तो सबको इनफ था, क्योंकि बच्चों को भी वो भी पिज़्ज़ा वगैरह का भी बर्गर शर्गर का भी उनका प्रोग्राम था तो वो भी खा लेंगे, और मैंने फिर ये एक एक सबको दे दी थी क्योंकि मैंने स्टफिंग तैयार करके रख ली थी। और आप इसकी स्टफिंग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रीज़ नहीं करना चाह रही थी क्योंकि जब मैंने इफ्तार में इसे ट्राई किया ना तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा मैं इसको ना पूरे बना ही लेती हूँ तो बच्चों को भी पसंद आए, तो बच्चों ने कहा जी मम्मा आप हमें जो है ना बना के दे दें और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के बाद जो है बर्गर खाएँगे। तो फिर मैंने उनके लिए पहले मैंने नमाज़ पढ़ी क्योंकि इफ्तार में मैंने जस्ट एक ही बनाया था, मेरी असर की नमाज़ रहती थी तो मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैं एक ही फ्राई करके और फिर इफ्तार जो है वो करके प्रिपेयर उसके बाद में चली गई थी नमाज़ के लिए। तो अब जो बच गई थी डो बच के आ गई थी, बनाई नहीं थी मैंने, बनाई तो एक ही थी, तो मैंने फिर बाद में इसको कंप्लीट कर लिया था, सबको मैंने एक एक पकड़ा दिया और बच्चों ने फिर बाद में बर्गर शर्गर भी खा लिया और उनका पेट भर गया, इस तरह से मेरा डिनर आज का इस तरह से मुक गया था। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की ना स्टफ डो रेसिपी, जो भी आप इसको नाम दे दें, ना तो ये पिज़्ज़ा है और ना ही ये पराठा है,
तो इसका मैं कोई ना कोई नाम रख दूँगी इंशाल्लाह। और इस पे जो है ना, फेरी कह रही थी कि मामा अगर इसके अंदर हम पिज़्ज़ा ऐड कर दें तो कितने मज़े का लगेगा। मैंने कहा हाँ अच्छा तो लगेगा, लेकिन मैंने फिर ये कहा कि नहीं, हर चीज़ में पिज़्ज़ा वाला फ़्लेवर क्या करना और चीज़ क्या ऐड करनी, ये विदाउट चीज़ ही बनेगी। और फिर बड़े ही मज़े की थी ना, विदाउट चीज़ ही इसका फ़्लेवर एक्चुअली में जो आ रहा था वो विदाउट चीज़ ही आ रहा था। अगर चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही सजेशन है कि इसको आप ऐसे ही खाएं, ऐसे ही ट्राई करें, बड़े ही मज़े की थी। यहाँ पे मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, इतने क्रंची, सॉफ्ट भी थे, क्रंची भी थे, टेस्टी भी थे, बस बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें बन के तैयार हुई थी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये तो मेरी ना लिस्ट में ऐड हो चुकी है, इसको तो मैंने बारहा बनाना है, अब कई बार बनाना है, क्योंकि बहुत मज़े की और बहुत कम वक्त में बनने वाली डिश है और मसाले भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे इसमें। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ओके चलें जी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।